साथियों, तेलंगाना और देश के विकास के लिए बेटियों और बहनों की इनकी अत्याचारी सोच से मुक्ति के लिए मोदी जो भी कदम उठाता है इन लोगों को चूपता है। आप सभी ने देखा है कि तीन तलाक जैसी अत्याचारी परंपरा के खिलाफ जब संसद में कानून आया तो मोदी को क्या नहीं कहा। मैं तीन तलाक से पीड़ित, तीन तलाक से डरी हुई हर बहन बेटी से आग्रह करता हूं कि हमें सहयोग करें, हमारी शक्ति बढ़ाएं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। जब ऐसे लोगों का साथ हो तो टीआरएस की कार का बेकार होना स्वाभाविक है। तेलुगु में तो एक कहावत बहुत मशहूर है, आरु नेलालो सावासम चेस्टे वालो बिल्लाई नाटलो। कहावत तो छह महीने के साथ की है, लेकिन यहां तो सात छह साल का हो गया और इसके कारण उनकी जो आदतें हैं वो इनमें आ गई हैं। तो अंदाज लगाइए कि कार भले ही केसीआर सवार हो लेकिन स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। इन्होंने विधानसभा से पहले दावा भी तो यही किया था और इसलिए यहां की सरकार को जगाना जरूरी है। जैसे पुलुसु में खाने में तीखा लगता है ना, वैसे ही वोटिंग वाले दिन पुलुसु खिलाकर टीआरएस को आप भी थोड़े तीखे स्वाद का मजा चखा दीजिए। साथियों, 11 अप्रैल को सिर्फ किसी पार्टी या पक्ष की जीत का फैसला नहीं होना है। ये सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है बल्कि इस बात का फैसला होगा कि नए भारत की नीति और रीति आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की रहेगी या फिर दुबक कर निंदा करने की बात होकर के ये मुंह छुपाते घूमेंगे। फैसला इस बात का होना है कि हिंदुस्तान के हीरो को मान होगा या पाकिस्तानी पक्षकारों का मान बढ़ेगा। फैसला इस बात का होगा कि देश में पहले जैसे बम धमाके होते थे वैसा ही दौर लौट आए या फिर बीते 5 वर्ष जैसा माहौल बना है उस रास्ते पर देश को आगे बढ़ना है। बम धमाके वाला हिंदुस्तान चाहिए कि शांति वाला चाहिए? बम धमाके वाला हिंदुस्तान मंजूर है हमें? अगर वो मंजूर नहीं है तो मजबूत सरकार जरूरी है कि नहीं है? और ये चौकीदार मजबूती दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये चौकीदार आपको सुरक्षा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये चौकीदार बड़ी बड़ी ताकतों से भिड़ सकता है कि नहीं भिड़ सकता है? साथियों, मैं जब यहां आ रहा था आपका ये मिजाज, ये आपका उत्साह देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। दोस्तों, अब देश एक भी हमला सहने को तैयार नहीं है और अब तो हमें भी तरीका याद पता चल गया है।
घर में घुस करके मारा जा सकता है। चालीस साल हो गए, आए दिन मारते चले जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हिसाब कताएं। अगर हम कुछ करेंगे तो हिंदुस्तान में वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तो हिंदुस्तान में वोट खिसक जाएगा, तो चुनाव हार, अरे चुनाव हारने जितना, अरे अगर देश बचेगा तो चुनाव आएगा, देश नहीं बचेगा तो चुनाव कहां से आएगा। बहुत हो चुका दोस्तों, बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। हम मोदी ज्यादा सहन करने को तैयार नहीं है।